आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और रसन भैया मोगी फिर मुंह पा दी है। अरे साला कुछ से कुछ बोला ना तो मुंह तोड़ देंगे। भोसड़ी के जितना गुस्सा अपन छोटका भाई पे दिखाता है अपन मोगी को दिखाएगा होता ना है। कपार पे चढ़ा के रख लिया है। मोगी को तनी डरा धमका के रखो ना तो ऐसे पाते रहेगी तुम सुनते रहना। का कीजिएगा बाबूजी, छोड़िए उनको सुनने में नहीं क्या लगता है। मोगी को पत थोड़ी लगता है, सेंट लगता है सेंट। हाँ हमको मोगी का पात पात नहीं सेंट की तरह लगता है, क्या करेगा। हाँ हाँ कोनो दिन आपको मोगी मुंह होग देगी तो वो नीचे लगेगा। अरे साला कुछ से कुछ बोला ना तो मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। अरे बेटा सही है तो कह रहा है ब्लैक कोबरा, तनी मर्द के तरह रहो, मोगी के डांट फटकार के रखो। दिन बाबूजी के सामने बजाती, ऐसे कौन पाता है अपन मरद के सामने बताओ। जब मन होता है तब पात देती हो और वो इतना जोर से कि पूरा मोहल्ला सुन जाता है। क्या है आप नहीं पाते हैं, हम पात दिए तो बहुत बड़ा गलती कर दिए का। अरे हमार कहने का मतलब है पा दो, लेकिन थोड़ा फुसकी पात पा दो वाइब्रेशन मोड में ताकि किसी को पता न चले। नहीं हमको जितना जोर से मन होगा उतना जोर से पा देंगे। लीजिए फिर पाद दी। अरे बाप रे बाप, पाद पाद कमर का पोषण कर दी, हम तुमको छोड़ेंगे ना। बेटा करते हैं हम फोन समधी जी को, तुम जाके बैठ के आराम करो। जा बैठ उठाइए ना। हेलो हेलो समधी जी। हाँ समधी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे कह रहे थे एक बार आते, आज बड़ा इम्पोर्टेंट काम था। क्या काम था समधी जी? आपकी बेटी ना हम लोगों का जीना हराम कर रखी है। आइए आप लोग समधी जी और बिटवा को भी लेते आइए, आज आइए तुरंते आइए। अच्छा ठीक है समधी जी, ऐसा क्या बात हो गया, हम तुरंते आ रहे हैं। अच्छा जल्दी आइए। ना ना बताइए समधी जी, ये कोनो छीछा हुआ आपकी बेटी का अपने मर्द के सामने पात देती है। हमर बेटा मना करता है तो बोलती है पाते रहेंगे, ऐसे में बताइए हमर बेटा का क्या वैल्यू रह जाएगा समाज में। नहीं नहीं समधी जी बात तो सही कह रहे हैं। देखो बेटी अपने मर्द के सामने पादा मत करो, कम से कम अपन पति देव का सम्मान किया करो। अरे सही बात है बेटी, घर की बहू हो तुम, ऐसे पतिदेव के सामने मत पैदा करो, अपने पतिदेव का इज्जत किया करो। नहीं नहीं सब बात सही नहीं है बहन, थोड़ा मेहमान जी का सम्मान किया करो।
एक काम करिए, पहले ना आप लोग पाद लीजिए और फिर अपनी बेटी को समझाइएगा। साला आप लोग पाद पाद के हमर घर को पाद घर बना दिए हैं। हमर कपार जलल था कि आपकी बेटी से हम शादी किए। रे बाबू चुप, जो किस्मत में लिखल रहता है उहे होता है। तो गाइस ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, घंटा वाला बटन दबा दीजिएगा। यस, और दोस्तों को दबा के शेयर कीजिएगा और शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। बिल्कुल, अपना प्यार आशीर्वाद बनाते रहिए। ललका वाला बटन दबाना नहीं भूलिएगा, घंटा वाला।